हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त गोपाल हाजिर हूँ फिर एक नई वीडियो लेकर एक नए गैजेट के साथ। तो दोस्तों, जो चीज मैं आज आपके लिए लाया हूँ वो है क्लियर कोट का फिक्सिट प्रो। दोस्तों, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अमेजोन पे टॉप सेलिंग चल रहा है पिछले 2-3 साल से। इसके टॉप सेलिंग होने का सबसे बड़ा रीजन है टेलीब्राइंस और टेली शॉपिंग जैसे टीवी चैनल्स जो इसे इतना ज्यादा प्रमोट करते हैं कि इसकी सेलिंग अभी भी बहुत ज्यादा हाई है। बेसिकली दोस्तों, ये है फिक्सिट प्रो का क्लियर कोटिंग एप्लीकेटर। इसको बनाने वाली कंपनी का दावा है कि अगर आपके स्कूटी या कार में कोई भी छोटा मोटा स्क्रैच आता है तो ये उसे इजीली रिमूव कर देता है। कई सारे एड्स वगैरह चल रहे हैं दोस्तों, टीवी में इसका इतना ज्यादा प्रमोशन हुआ है कि अभी तक अमेजोन पर टॉप सेलिंग में दोस्तों। बट मैं आपको बताऊं, जैसे कि इसका प्राइस है सिर्फ 75 रुपीज का, तो मुझे नहीं लगता कि इतना काम करेगा, बट फिर भी अमेजोन पर टॉप सेलिंग है तो एक बार देखना तो बनता है दोस्तों। तो आप लोगों के लिए मैं इसे टेस्ट करने वाला हूँ अपनी स्कूटी पे, क्योंकि डेंट लगाना पड़ेगा, स्क्रैचेस लगाने पड़ेंगे, तो अपनी ही स्कूटी पे करना पड़ेगा। तो चलो दोस्तों, इसको टेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या सच में ये स्क्रैच रिमूवर काम करता है। इसको लगाने की 2 कंडीशन है दोस्तों। पहला ये कि जो स्क्रैच है वो ज़्यादा डीप नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन है कि ये जो रिमूवर हम अप्लाई करते हैं ये फ्रेश स्क्रैच पे करना है, कोई पुराना डेंट या स्क्रैच है उस पर ही काम नहीं करेगा। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं और चेक करते हैं इसे। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि इसी तरीके की मज़ेदार वीडियोज़ मैं आपके लिए ला सकूँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या ये काम करता है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, ट्राई करते हैं हमारे फिक्सिट प्रो क्लियर कोटिंग एप्लीकेटर को। अगर दोस्तों ये काम करता है तो ये आपके बहुत सारे पैसे बचाने वाला है, क्योंकि छोटे से डेंट के हमें गैरेज में मैकेनिक को बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। हैवी ना सही, बट अगर लाइट भी अगर ये हटा देता है, लाइट स्क्रैच को भी अगर ये दूर कर देता है, तो ये बहुत फायदेमंद चीज़ होने वाली है। तो अब हम इसे ट्राई करेंगे हमारे स्कूटी के हेड गार्ड पे। तो चलिए आइए ट्राई करते हैं। ये है दोस्तों वही टाइल का टुकड़ा, इससे हम एक स्क्रैच लगाएंगे और फिर देखेंगे क्या होता है। ये पुराने छोटे से स्क्रैचेस वगैरह हैं हल्के फुल्के, पहले हम इसी पे ट्राई कर लेते हैं दोस्तों क्या होता है। जैसा कि कंपनी का दावा है कि ये स्क्रैच रिमूव कर देता है, तो ऐसा कुछ तो थोड़ा थोड़ा लग रहा है दोस्तों, बट हो सकता है कि ये स्क्रैच ना हो। तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों ये स्क्रैच नहीं था, ये शायद कुछ कलर वगैरह या डस्ट वगैरह था जो रिमूव हो गया है, तो शायद ये स्क्रैच नहीं था दोस्तों। बाकी पता नहीं कैसा रहेगा। चलिए काम करते हैं, हम स्क्रैच मार के देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसे स्क्रैच लगाने वाला हूँ। तो एक यहाँ पे स्क्रैच लगा है, एक और लगा लेते हैं, एक ये स्क्रैच लगा है, 2 स्क्रैच लग चुके हैं। तो आपको वाइट स्कूटी है दोस्तों, पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं। एक काम करते हैं, एक और स्क्रैच लगा लेते हैं। तो ये कई सारे स्क्रैचेस मैंने लगा दिए हैं। तो अब हम देखते हैं ये इस पर काम करता है या नहीं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये ज़्यादा डीप स्क्रैच नहीं है कि इसका पूरा पेंट निकल के अंदर का जो इसका मेटल है वो दिखने लगे। ये स्क्रैच लगा है इसमें इतना कि नॉर्मल ये जाएगा नहीं किसी चीज़ से। तो हम इस पर काम कर लेते हैं। उसे कोटिंग हमने कर दी है, ये धीरे धीरे सूखता रहेगा, ताकि उनको देख लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, फर्क आपको दिख रहा है, थोड़ा बहुत ये कर रहा है लाइट, हल्का फुल्का लाइट कर रहा है। देखिए दोस्तों, आधा आधा करके मैं छोड़ देता हूँ, यहाँ पे आपको फर्क पता चल जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, थोड़ा बहुत तो इसने काम किया है छोटे स्क्रैच पे, जो हल्के फुल्के स्क्रैच थे उस पर काम किया है। एक ये स्क्रैच है दोस्तों, ये पुराना स्क्रैच है, इस पर भी ट्राई कर लेते हैं, तब तक वो सूख रहा है, हम इसे देख लेते हैं। हाँ, ये प्रॉपर स्क्रैच है, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक छोटा सा गड्ढा महसूस हो रहा है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने उस पर लगाया था तो इंस्टेंट हमें रिजल्ट दिख गया था, बट इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पुराना है तो ये रिमूव नहीं हो रहा है और इसमें कुछ खास ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है दोस्तों। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमने कोटिंग लगाई है उससे थोड़ा सा फर्क पड़ गया। अब हम इसे रिमूव कर देते हैं एक कॉटन से, यहाँ पे पोस्ट करके रखना है।
तो दोस्तों ये ड्राई हो गया है, ये सूख चुका है, तो हम इसे रिमूव करके देखते हैं कि क्या ये स्क्रैचेस रिमूव हो चुके हैं या नहीं। तो हम इसे एक कॉटन का कपड़ा लेके इसे नॉर्मल ऐसे हमें रब करना है। तो रिजल्ट आपके सामने दोस्तों, आप देख सकते हैं स्क्रैचेस अभी भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये जो छोटे से स्क्रैच मैंने मारे थे वो स्टिल अभी यहाँ पे अवेलेबल हैं, और ये भी यहाँ पे, इस पर भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। तो दोस्तों फाइनली ये है कि ये जो कोटिंग है ये काम नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत छोटा सा स्क्रैच था। अगर इस पर काम नहीं कर रहा है तो बड़े स्क्रैचेस पे काम करने का कोई मतलब है। दोस्तों फाइनली रिजल्ट हमने देख लिया कि जो टीवी एड्स की वजह से जो इतना ज़्यादा ये डिमांडिंग है, अमेजोन पे इतनी ज़्यादा सेलिंग है इसकी, ये बकवास है। एक तो ये नॉट रिटर्नेबल है, तो हम इसे रिटर्न भी नहीं कर सकते, और एक बार आपने परचेस कर लिया तो ये आपका हो गया। अब चाहे ये रिजल्ट दे या ना दे, आपके पैसे तो गए। तो दोस्तों प्लीज़ इसे बाय ना करें, ये मेरे हिसाब से तो यूजलेस है। बहुत छोटे से स्क्रैच पे इसने काम नहीं किया, तो किसी बड़े स्क्रैच पे काम करने का मतलब नहीं बनता। हम आपके लिए ऐसे ही और कई सारे प्रोडक्ट और कई सारी नई वीडियोस लाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो पे, और लाते हैं आपके लिए इससे अच्छा प्रोडक्ट। अभी के लिए बाय बाय दोस्तों।